बोलता है आजाद को तो हमने दिया अरे बाबा तुमने कैसे दिया बार बोलता है फैमिली फैमिली को अरे भाई तुम कौन सा का हो ओरिजिनल गांधी गांधी तो महात्मा है ना वेन वी स्पीक अबाउट गांधी लेट अस स्पीक अबाउट महात्मा गांधी ये एक गलत गांधी फैमिली है कौन सा गांधी फैमिली राजमोहन गांधी महात्मा गांधी दैट्स गांधी फैमिली ये वाला तो गांधी फैमिली नहीं है ना तो तकलीफ तो होता है ना आप गरीब का घर में जाते हैं गरीब को अपना घर में नहीं बुलाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्यों राजीव गांधी के बेटे इसका सबूत हमने माना मांगा है उनसे सर्जिकल स्ट्राइकल देखिए देखिए आपको पर्सनल अटैक लगता है दूसरा आप उल्टा से सोचिए अगर आर्मी को आप आप पूछेगा कि कि सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं किया है आर्मी का मन में क्या लगेगा सचिन पायलट संभाल सकते हैं कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष बन सकता है मेरा देखिए मैं मैं इतना ही बोल सकता हूँ कौन कि कांग्रेस एंड गांधी बिकम इनोनोम थोड़ा एक बार टूट जाने दीजिए फिर अपने आप उभर के आएगा नया चीज तो तो बीजेपी में, में आ एमएलए तो 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 हुआ, हुआ है लोग बोलता है गांधी फैमिली के लिए होता है लेकिन एक्चुअली गांधी फैमिली के नहीं होता है वो अपना बल बुद्धि से जीतता है अपना समाज कल्याण का काम के लिए होता है गांधी हाईजेक करता है बोलता है आजाद को तो हमने दिया अरे बाबा तुमने कैसे दिया उन्होंने लोगों का पास नहीं गया था उन्होंने रास्ता नहीं बनाया उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया आप कैसे दे सकते आप भगवान है बार बोलता है फैमिली को बीतते अरे भाई तुम कौन सा कहां का फैमिली हो प्रियंका बेटर है आपको बेहतर लगती है अशोक गहलोत देखिये मैं इतना ही आप लोगों को बोल सकता हूं कि थोड़ा समय ये गांधी सिंडम से बाहर हो जाइए ओरिजिनल हाँ ओरिजिनल गांधी तो महात्मा गांधी है ना स्पीक अबाउट गांधी अस स्पीक एक गलत गांधी फैमिली गांधी फैमिली राजमोहन गांधी महात्मा गांधी दैट्स कॉल्ड गांधी फैमिली ये वाला तो गांधी फैमिली नहीं है ना राहुल गांधी में क्या कमी है तो आप लोग एक दिमाग में है? लेके आया गांधी फैमिली मीन्स टेन्जन पर मैं समझता हूं गांधी फैमिली मीन मोहनदास करमसद गांधी क्या प्रॉब्लम क्या है राहुल गांधी प्रॉब्लम क्या है आपको हाँ। प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है अभी भारत जोरा हुआ देश को जोड़ा होने के लिए कोशिश कर रहे मतलब इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया तो प्रॉब्लम काफी सारा है आप पार्टी का अध्यक्ष नहीं है लेकिन आप पार्टी का अध्यक्ष जैसा बात करते हो आप कोई फ्यूडियल लॉर्ड नहीं है आप फ्यूडियल लॉर्ड जैसा बात करते हो तो तकलीफ तो होता है ना आप गरीब का घर में जाते है गरीब को अपना घर में नहीं बुलाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्या आप दलित का घर में जाते हो ट्विटर में फोटो आता है लेकिन दलित तो आपका साथ पार्टी के भी लोग भी करते ना हेमंत मेरा तो घर में आना होगा नहीं आपके आते हैं लेकिन पार्टी के आना पड़ेगा हम लोग देखिए वो पार्टी का कोई लीडर का बारे में पूछेगा मेरा जितना नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप अगर कोई दलित का घर में जाते हैं दलित को भी आपका घर का डाइनिंग रूम तक आने का इजाज़त होना पड़ेगा ये जो एक कल्चर हुआ है ना, एक जैसे पहले तो महात्मा गांधी था फिर आप गांधी हो गया फिर देश से फैमिली बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम संस्कृति से है प्रॉब्लम कल्चर से है व्यक्ति से व्यक्ति तो आज है कल गुजर है तो आप उनपे पर्सनल अटैक क्यों करते हैं पर्सनल अटैक बताती सर्जिकल ना? स्ट्राइक का प्रूफ आप मांग रहे थे सितम्बर ग्यारह को और आपने उस मंच से क्या कहा था क्या बोला उस बोलने की वजह से बहुत परेशानी में भी आपको पहुंचना पड़ा आपने कहा आपने कहा कि क्या राजीव गांधी के बेटे इसका सबूत हमने माना मांगा है उनसे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत देखिये देखिए आपको ये पर्सनल अटैक लगता है दूसरा आप उल्टा से सोचिए अगर आर्मी को आप पूछेगा कि आप सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं किया है आर्मी का मन में क्या लगेगा